पेड़ है सेब के, सेब के पेड़ है। यहाँ यहाँ फार्म भी है, शी फार्म, ऊपर शांति शी फार्म मैंने लिखे ना, शांति शी फार्म। और यहाँ पर डस्टबिन भी है, मतलब बना के मेरा दादा कहाँ पर काम करते थे, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ पर मेरे दादा काम करते हैं। कमर्शियल सीड्स, क्योंकि अब टाइम, शायद अब टाइम है फसलों का उगाने का। यहाँ पर वो गुजर बकलवा लेते हैं, माशाल्लाह। देखिए कितने प्यारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। यहाँ पर बैठते हैं गुजरिश, आप यहाँ से जा सकते हैं, तो इधर की एंट्री यहाँ से, वो यहीं पर बैठता है गुजरिश साहब। देख सकते हैं गाइस, मैं इस वक्त मासी के यहाँ आया हूँ, तो कितना ही प्यारा इलाका है। मैंने सोचा है कि आज से मोटो व्लॉगिंग करूँ स्टार्ट थोड़ी सी, क्योंकि वैसे उस व्लॉगिंग में मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। पकड़ो ना हाथ में, क्यों? मैं चलाऊंगा ना स्कूटी यहाँ से। देख सकती है मेरी छोटी बहन, ठीक है, बेच रहा है। ये जंगल है यहां से, है ना? इस इलाके को मुल्फाक कहते हैं, और हम जा रहे हैं अब घूमने कहीं, देखते हैं वहां से कोई रास्ता मिले। नहीं, देख सकते हैं आप यहाँ पर जूस बेच रहे हैं ऊपर ऊपर। हाँ, वेरी गुड, ये मेरी छोटी बहन को हाथ में मोबाइल। देखिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, एक मिनट दो, इधर इनको देख सकते हैं यहाँ से कितना प्यारा इलाका है, पहाड़ी पहाड़ी है यहाँ पर। यह आता है जबरवन रेंज पहाड़ी, इन पे भी जाऊंगा कभी मैं व्लॉगिंग करने, मोटो व्लॉगिंग्स। देखिए खेत है यहाँ पर, कितने प्यारे खेत, यहाँ पर शायद फसल आई है, क्योंकि अब टाइम, शायद अब टाइम है फसलों का उगाने का। दूर दूर जहां पर मेरी मासी रहते हैं, वहां पर ना दूर इलाके तक ये नहीं है बाजार, तो आप देख सकते हैं बाजार यहाँ पर है, पेट्रोल भी आपको मिलेगा ऐसे ही। जा रहे हैं अब ऊपर कहीं, देखते हैं
ये साइड आता है दारा, दारा साइड मुलफाक दारा F18। रोड यहाँ पर बहुत ही खराब है, जब से मैं मतलब यहाँ मासी ने मकान लिया तब से रोड बहुत खराब है। ऊपर रखो थोड़ा फोन ऊपर, देखिए कितना रोड खराब है। फोने पे वॉइस यहाँ से दिखाओ, देखे कितना प्यारा इलाका है, खेती खेती है। दे दर गाय, तुमने मुझे फोन ही गिराने वाली थी मगर बाल बाल बज गया। माशाल्लाह देख सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। वाओ कितने के मतलब कितना ही प्यारा हाल है। हाँ क्या MDS ठोल दिए ना, देखिए मेरे साथ कौन सी बच्ची साथ है, मैरी उसका नाम। मतलब ये सारा ही ये इलाका है जंगली, जंगल जंगल इलाका है, जंगली इलाका। मेरे को नहीं पता है राइट उधर से कहाँ से जाना है, हमें पता ही नहीं, ढूंढ लेंगे हम रास्ता। होटल रहबाग, हाँ मुझे याद आ गया कि हमें यहाँ से जाना है क्योंकि ये ट्री मैंने याद रखा है हमेशा। देखो कितना ही प्यारा मतलब पानी है। खुदा का घर है, हम जाएंगे उनके घर। इतने यहाँ के रोड मतलब ठीक है, देखे नाम क्या रखा है इन्होंने, क्रिमिनल पॉइंट। माशाल्लाह आज रोड यहाँ पर यहाँ से ठीक है, पहले में जब मैं आया था यहाँ पर अब 6 महीने पहले सारे रोड खराब थे, अभी भी है उधर से लेकिन नाइस। यहाँ पर ना ट्रांसपोर्ट अपना होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आपको गाड़ी नहीं दिखेगी, ऑटो नहीं दिखेगा क्योंकि बहुत ही मतलब जंगली इलाका है, जंगल है पूरा जंगल है। देखे यहाँ पर कैंप्स, यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं। ये वही इलाका है जहाँ मैंने वो बब्बर शेर का बनाया था ना, वही है। सलामकुम। देखो कितना बड़ा पहाड़ है यहाँ से, हमें जाना है यहीं से जबरवन रेंज के पहाड़। यहीं से अगर आप आगे जाएंगे आपको दारा मिलेगा, तो घोड़े देख लीजिए, घोड़े पे चढ़ोगी? नहीं। क्यों? हम नहीं चढ़ सकते। मुझे खुद इस इलाके के नहीं पता है लेकिन मैं यहाँ पर बहुत बार आया हूँ, और ये जो ये पेड़ है सेब के, सेब के पेड़ है यहाँ पर। मुझे थोड़ा बहुत याद है यहाँ से लेकिन इलाके का नाम नहीं पता है कि कौन सा इलाका है। देखिए कितने प्यारे मकान आते हैं यहाँ से। आइसक्रीम खाओगी? हाँ आइसक्रीम खानी है फिर खाते हैं। यहाँ फार्म भी है, शीप फार्म ऊपर।
शानदशी फार्म, वो है ना लिखे ना शानदशी फार्म। और यहाँ पर डस्टबिन भी है, मतलब बना के बना रहे यहाँ पर प्लास्टिक डस्टबिन। यहाँ पर वो गुजर बकलवा लेते हैं। माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं। देखिए अपना काम ये खुद करते रहते हैं। ये बहुत ही मेहनती लोग हैं, मतलब ये पहाड़ों से आते अपने शीप लेकर यहाँ पर श्रीनगर, तो उसके बाद यहाँ पर कैंप लगाते अपना। और फिर ये जो इलाका है यहाँ से आस्थान मरग जाते ऊपर पहाड़ी पे हम जाते, लेकिन जरा पेट्रोल कितना है, पेट्रोल कम है इस वक्त, हाथ में पगड़ों में थक गया, ऊपर ना ऊपर उंगजेश का नाम है। एक्चुअली मैं ना अब मैं माउंट लाऊंगा इसके लिए, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ना ये जो इलाका है यहाँ से एक बड़े पीर है, उनका नाम कैदी ऋषि है, कैदी ऋषि साहब, वो इलाज करते हैं यहाँ पर जिसको भी जॉन्डिस हो, डिफरेंट डिफरेंट बीमारी। तो ये जहाँ पर ट्रक है ना आगे, ट्रक ट्रक के लेफ्ट साइड से वो कैदी ऋषि आपको मिलेंगे। चलो मैं आपको लेता हूँ उधर कैदी ऋषि साहब के पास। हाँ यहीं से है वो। तो ये इलाका है, यहाँ से ऊपर जाना है सीधे डायरेक्ट। ये बहुत ही बड़े मतलब हकीम है, हकीम इलाज करते हैं आपको, जली बूटी वली बूटियाँ देते हैं। जब मैं भी बीमार था, मेरा हेपेटाइटिस था, तब मैं जाता था आता था यहाँ पर। तो ये जो आ गए ना दो खड़े, तो यहाँ से एक गिरीश देखे, यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर बैठते हैं गिरीश। आप यहाँ से जा सकते हैं, तो इधर की एंट्री यहाँ से, वो तो यहीं पर बैठता है गिरीश साहब। आगे से गाड़ी आ गई, तो यहाँ से आपको अंदर जाना है, वो जो बंदा खड़ा है वहीं से इसकी एंट्री है, तो जिसको भी जॉइंट्स वॉइंट्स प्रॉब्लम वो आ सकता है। ये हकीम इलाज करते हैं। हम जाएंगे अब ऊपर, ये एसीफ का घर है पता है। पता ही नहीं, हम जा रहे हैं उधर इधर पता ही नहीं, हम जाएंगे वापस उधर से नीचे वापस। हाँ यहाँ से क्या करें, यहाँ से तो रास्ता उधर से दूसरा रास्ता है ना, बुद्धा का सलाम करोगे अंकल को, जानते हो इनको, किनको अंकल को ना, असीफ असीफ जो है ना वही। हाँ ये कहाँ ले हो, हाँ आप कहाँ ले हो, घूमने जाएंगे ना, हम घूम रहे हैं। हम कहाँ घूमे हैं, हम
जाएंगे ना आप नीचे से। आपने देखा ही होगा गोदरेशी साहब यहाँ से, अब हम जाते हैं नीचे। इतना ही अच्छा है यह पुल है यार, माशाल्लाह ऐसे पानी बह रहा है नीचे, साफ पानी, ऊपर से ग्लेशियर से आता है तो यहाँ पर साफ पानी मिलेगा आपको। तो मैं इंशाल्लाह लाऊंगा ये बाइक भी जल्दी, फिर हम बनाएंगे मोटो व्लॉग्स अच्छे। देखे बच्चे क्या कर रहे हैं, बॉल ही गए भाया। हाँ वो देख सकते हैं यहां से धारा आप पहुंचेंगे डायरेक्ट। मेरा हाथ भी थका क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल, मेरे पास सिस्टम है ही नहीं साथ, इस वक्त बहुत ही थक गया। देखिए पहाड़ियाँ वहाँ पर, मेरे को आया हूँ बहुत बार यहाँ पर लेकिन मुझे ये नहीं पता है क्या नाम क्या है इन जगहों का। माशाल्लाह जन्नत है, जन्नत है यहाँ पर। मेरी मासी किस खूबसूरत एरिया में रहती है, देखिए पहाड़ी पहाड़। हाँ यहाँ से जन्नत है, देखो जन्नत, कश्मीर को यूं ही जन्नत में कहा गया है। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल व्यू दिस इज। देखिए बेचारे शायद फोटोग्राफ ले रहे हैं, हम जाएंगे उधर आगे नहर तक। हाँ जाएंगे वापस, शायद दारा जाते हैं। ना मुझे नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं, मैं भी नहीं कभी दारा हूं। मुझे ये पूरा याद नहीं, ये कौन सा स्कूल है? बड़ा मुझे याद आ गया अब, वुडलैंड हाउस स्कूल, वुडलैंड स्कूल है यहाँ पर कोई। देखे नहर माशाल्लाह, कितनी प्यारी मस्जिद है, शायद अस्तान है।
क्या बोल रहे हो? यहाँ जन्नत है नहीं? है ना जन्नत है? कहाँ? पहाड़ थोड़ी में जन्नत होता है। साइकिल लाना है आपको, छोटा सा साइकिल। फिर क्या हो, बड़ी हो? हाँ, मुझे पापा ने बड़ा साइकिल साइकिल थोड़ी ना हम पता ही नहीं कहाँ पहुँच गए, लेकिन अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ की खूबसूरती देखने को, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये मतलब निषाद साइड के ऊपर से हरवान साइड कितने मेहनत का काम कर रहे हैं। अभी भी ऐसे मतलब यहाँ पर विलेज ही टाइप है, लेकिन लोग मेहनती बहुत है, बहुत प्यारे यहाँ पर लोग हैं। हम कहाँ पहुँच गए मुझे समझ नहीं आ रहा है। धारा कहाँ पे? धारा यहाँ पर है कि ऊपर? यहाँ पर नियर हो? हमें जाना है यहाँ से वापस। देखो कितना प्यारा पप्पी है। धारा से यहाँ पर ही मुझे भूल ही गए। आया हूँ मैं, पर मुझे आज भूल गए। कितने बार? हाँ पहुंच गए यहाँ से। यार धारा ही नहीं मिल रहा है मुझे। थोड़ा पीछे बैठो, बैठो पीछे, सीधे बैठो। हाँ ये तो इश्वर है। इश्वर ने ये धारा है। हम जाएंगे तुम्हारे पापा के पास। क्या? आपके पापा के पास जाऊं मैं? ठीक है। हाँ यहाँ पर मेरे जो दादा थे ना वो काम करते थे। हम धारा ऊपर है पहुँचे हम। देखिए मस्जिद आपको मैं दिखाता हूँ, मेरा दादा कहाँ पर काम करते थे। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, यहाँ पर मेरे दादा काम करते। कमर्शियल सीड्स, तुम्हारा पापा यहाँ पर है।